यूपी के मुरादाबाद में हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और हाथरस के डीएम को बर्खास्त कराने की मांग की। आपको बता दें कि करीब 3 माह पूर्व हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रकरण में वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति ने हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सिविल लाइन के जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और डीएम को बर्खास्त करने की मांग की। जी, आज आपके द्वारा किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? आज हाथरस की गुड़िया को मृत्यु हुए वे 3 महीने हो चुके हैं और हर महीने हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 3रा महीना है। इसी क्रम में प्रदेश आह्वान पर सभी जिलों के मुख्यालयों पर जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल जी को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी एक सूत्रीय मांग है, हम सबसे पहले देश की सर्वोच्च जो जांच एजेंसी है सीबीआई, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन लगा हुआ था उस कांड को बिल्कुल दबाने के लिए सीबीआई ने उन चारों को दोषी ठहराया है। वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश का सीबीआई का धन्यवाद करता है, लेकिन सीबीआई ने भी एक सवाल छोड़ दिया। वो सवाल ये है कि उन दोषियों को तो फांसी या जो भी सजा उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट के अंदर, लेकिन दोषी करार दिया है सीबीआई ने, लेकिन वहाँ का जो जिलाधिकारी, वहाँ के जो प्रशासन, प्रदेश के शासक प्रशासक के खिलाफ में सीबीआई ने अभी तक कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है। हम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि वो सीबीआई को संज्ञान में लें। कोर्ट से भी हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, इसलिए हम सीबीआई को भी लगातार ज्ञापन भेज रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को भी और राज्यपाल जी को। आज ये अंतिम पड़ाव का ये डीएम साहब को ज्ञापन ले तो दिए जा रहे हैं डीएम की बर्खास्ती को लेकर, और 17 तारीख को आगरा के अंदर पूरे भारत के वाल्मीकि समाज की पंचायत आयोजित की जा रही है। अगर डीएम हाथरस को और एडीजे ला प्रशांत कुमार को और जो उस